रांची में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार लाल के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों से यह भी खबर सामने आ रही है कि संजीव लाल के नौकर के यहां भी ईडी की टीम ने दबिश दी, जहां से करीब 25 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुंदा के सेल सिटी में भी ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची। वहां पथ निर्माण विभाग से जुड़े इंजीनियर के यहां छापेमारी चल रही है। प्रारंभिक सूचना है कि 23 फरवरी 2023 को गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में यह छापेमारी चल रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची के सेल सिटी के अलावा बोड़ियो रोड में ईडी के रेड की सूचना है। इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि फिर से झारखंड में काला धन मिला, जिसका संबंध अवैध कमाई से है, जो यहां के सत्ताधारी नेताओं की है। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है, ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। जिनके हाथ में सेवा करने का दायित्व सौंपा गया था, वो झारखंड को, झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और सभी समाजों के लिए जो कल्याण के पैसे थे, उसको लूटने का काम किया। ये सच में हम सब लोगों के लिए बड़ा मर्माहत कर